Hi guys, today's video is about new features in iPhone 15. The key features are looking in new iPhone 15. That is Taptical Engine, Volume Rocker, Notch LED Display, C-Type Port या फिर Charging Portless, MagSafe Chargers, No Physical SIM Card, Telescopic Camera, In-Screen Touch ID Sensors are there much be looking in new iPhones. Taptical Engine Volume Rockers are used as an example in video. It might be touch, the notchless screen. आपको नॉच देखने के लिए नहीं मिलेगी, शायद इन स्क्रीन कैमरा आने लगेगा और नई नई चीजें सेंसर्स दिखाई देंगे। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जैसे लैपटॉप मैकबुक में होता है, वैसे ही वो मल्टीपल यूजेस के लिए यूज होंगे और उसकी जगह पे या तो पोर्ट लेस आ सकता है जिससे आप मैकसेफ के साथ चार्जिंग कर पाएंगे। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, इसके अंदर पोर्ट नहीं है कोई भी। विदाउट पोर्ट चार्जिंग मैकसेफ के साथ बहुत इजीली होती है। मैकसेफ चार्जिंग सिस्टम के अंदर बहुत इजीली 12 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं चार्जर्स और फोन, जो कि ईजिली और सेफली चार्ज होते हैं। आप मैकसेफ वाला पावर बैंक भी एसेसरी के तौर पर खरीद सकते हैं। देन नो फिजिकल सिम कार्ड, जैसे कि आईफोन 14 में US वर्जन में नहीं आता है, शायद अब नहीं आएगा इंडियन वेरिएंट्स में भी आईफोन 15 के अंदर। फिर आती है अल्ट्रा लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट आने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग आईफोन्स। वेट बिल्कुल भी नहीं होगा, जितना अभी आता है उससे कम ही होने वाला है, कन्फर्म है। वेरी हाई स्क्रीन लाइट, दैट मीन्स आप धूप में छांव में कहीं भी चलाएंगे बिल्कुल स्क्रीन साफ दिखाई देगी। जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीन फुल होने वाली है, नॉच नहीं आएगी, तो इन स्क्रीन फेस आईडी सेंसर्स भी यूज होंगे और कैमरेज भी शायद इन स्क्रीन ही आएंगे। फिर फिंगरप्रिंट भी आ सकता है नए तौर पे, जैसे वीवो ओप्पो के फ़ोन में आते हैं, सैमसंग्स के फ़ोन में आते हैं, फ्लैगशिप फ़ोन जितने भी हैं इन स्क्रीन आते हैं, तो उसके अंदर इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट भी आ सकता है। इट माइट बी पॉसिबल, अगर फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहते iOS तो शायद ना भी दें, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन लीक से पता लगा है उनकी एप्पल स्टोर की वेबसाइट से। फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा, जैसे सैमसंग देता है वैसे ही कैमरा अल्ट्रा वाइड आने वाला है। मून की फोटोज आप बिल्कुल क्लियर ले पाएंगे, बहुत लेंथ तक ले सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोज आएंगी। जैसे आप सैमसंग की ये देख रहे हैं फोटोज, ऐसी सिमिलर फोटोज आईफोन भी देगा एक लंबी दूरी तक, जैसे कि 100x 200x ये चीजें आने वाली हैं। इट माइट बी पॉसिबल ना भी आए, लेकिन उतनी दूरी पॉसिबल कर सकता है आईफोन, जैसे कि और फ्लैगशिप फोन्स करते हैं। एप्पल अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर रहा है और भी ज्यादा, अपने अंदर सारी सिक्योरिटीज अपडेट देता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड कमेंट द वीडियो, एंड प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।